कोर्ट ने हमारी अर्जी मान ली है, कोर्ट से हमें स्टे ऑर्डर मिल गया है, कोर्ट ने हमें 4 दिन की मोहलत दी। अगर कमला और उसके चौल वालों को सबक सिखाना है ना, तो मेरी बात सुनो। राघव बाबा का फोन था। अच्छा, राघव बाबा मुझे मिलना चाहते हैं। पर चौल को बचाने के लिए हमें कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इन पेपर्स पर साइन करना होगा। आप राघव सिंघानिया हैं? भाई राघव सिंघानिया मिल गए हैं राघव बाबा के साथ, और मैं कल सुबह सुबह उन्हें वहाँ पर लेकर आ रही। कल भी मैं कल राघव बाबा से मुंबई में मिली। बेटा ये देखिए, तुम्हारी बीवी ने कोर्ट में साइन करके दिया है, ये केस खत्म हो गया, और आपकी कमला बाई ने एक एक मकान का 1,00,000 रुपया लिया। मासी, सबने तुम पर भरोसा किया, सब कुछ तुम्हारे हाथ में रख दिया, तुमने क्या दिया? कमला ताई, हमने आपको अपना लीडर ही नहीं अपना भगवान भी माना था। आज के बाद कोई सच का साथ नहीं देगा। सही बात है। नहीं, रोते थोड़ी है। आज कमला बिखर जाकर हार गई। तू पागल है? पागल, हार जीत परिवार से होती है, ये समाज से नहीं। कोई नहीं हारी तू, बहुत हो गया, मैं घर जा रही हूं। आज मेरी फैमिली को मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। कहां जा रही है? मिस्टर, मेरी इस लड़ाई में मेरे साथ क्या था? मेरा सच और देवा का साथ। मेरा सच मुझसे छिन गया बेटा, अब देखना है देवा मेरे साथ है या नहीं। मैं फाइल रिसेप्शन पे छोड़ रहा हूँ, वहां से कलेक्ट कर देना। हाँ, और तुम लोग आगे बढ़ो, डील को सील कर देना। या क्लाइंट से कह देना कि मैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर लूंगा। एंड हाँ, लिसन, ड्राइवर से कह देना कि गाड़ी निकाल दे, मैं मुंबई जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मुझे अपनी आई को फोन करना है। Yeah. 9820
सर, आपके पास मेरी आई का नंबर था? आई का नंबर माँ नाम से सेव है इसके मोबाइल पर, और फिर भी एक बार आई को मिलने क्यों नहीं आया? थैंक यू सो मच। देवा, मेरी ये लड़ाई आज की नहीं है, तू गवाह है। ये लड़ाई हर उस गरीब की है जो अपने वजूद अपने हक के लिए लड़ रहा है। अगर आज मैंने कुछ गलत किया हो तो उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं देवा, लेकिन मेरा मन साफ है और तू ये सब जानता है। देवा, मुझे सिर्फ तुझ पर विश्वास है। अगर आज तूने मेरा विश्वास ठुकरा दिया तो ये सिर्फ मेरी हार नहीं, तेरी भी हार होगी, क्योंकि कोई गरीब सर उठाकर आसमान की तरफ नहीं देखेगा, कोई कमला कभी कोई सपना नहीं देखेगी। आज मुझसे मेरा सच छीन गया देवा, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूं, मैं लड़ूंगी, सच के लिए लड़ूंगी देवा। बस तेरे साथ की प्रार्थना करती हूं देवा। ओ भाई, अब क्या नया नोटिस लगा रहे हो? नोटिस ये लगा रहा हूं कि तुम लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त है, अपने अपने घर खाली कर दो। वकील साहब, आप उनकी तरफ से आए हैं ना, जिनके पास पैसा है, पैसे की ताकत है। आप मेरा एक काम करोगे, उनको जाके कह देना कमला अभी हारी नहीं है, मैं ये चाल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, इस घर से इस चाल से सिर्फ कमला की लाश जाएगी। मैं तो बोल दूंगा ताई, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। अब सिर्फ 2 घंटे बचे, अपना सामान बांधो और निकलो यहां से। जान है तो जहान है, कहीं और जाकर अपनी बस्ती बसाओ। वकील साहब, आप जाइए यहां से। हमारी कमला ताई को ना रोज नए नए नाटक करने की आदत है। कमला ताई, अबे ओ मंदा ताई, क्या ज्यादा बकवास मत कर तू। गप पर बस, मैं तेरे से बात नहीं करना चाहती, समझा तू? और कमला ताई, अगर आपको हम सब लोगों की इतनी फिकर थी ना, तो हम लोगों को धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। अब कोई फायदा नहीं है, आप जाइए वकील साहब।
पुकी ये क्या कर रही है बच्चा? पुकी पुकी जिद छोड़ दे, यहां आजा बच्चा, वहां रहने का कोई फायदा नहीं है। फायदा आपके लिए नीतू, मैं वहीं खड़ी हूं जहां एक बेटी को होना चाहिए। अपनी मां के पास। अभी ये वार्निंग है आप सभी लोगों को, 1 घंटा है आप लोगों के पास, ये चौल की जगह खाली करो और हट जाओ यहां से। कोर्ट का नोटिस लगा है यहां, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर किसी को कुछ हो गया तो। इंस्पेक्टर साहब, आप भी एक बात समझ लीजिए, हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। आपको बुलडोजर चलाना है, हमारे ऊपर से चला लीजिए। हमारे घर के साथ हम भी खत्म हो जाने के लिए तैयार है। आखिरी के 15 मिनट बचे हैं, अपना अपना सामान लेकर बाहर आ जाइए, मेरी आप लोगों को यह आखिरी वार्निंग है। पंद्रह मिनट? अरे चलो मैं तो जा रही बाबा। हट 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 अब बोलो कांता ताई, अगर कमला ताई ने पैसे लेकर हमें धोखा दिया होता तो अभी क्यों पुलिस की लाठी खा रही? सच में कांता ताई, भूखे पैसे कमला ताई हमारे लिए क्यों लड़ रही अब तक? मैं ये चाल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, इस घर से, इस चाल से सिर्फ कमला की लाश जाएगी। समझ में आ रहा है मेरे को।
थोड़ा सा जोर लाओ मेरी मुर्गी, थोड़ा सा जोर लाओ। जो हमारी कल्पना में थी वो आ गई। तो इसका नाम भी होगा कल्पना। अब इससे आगे नहीं बढ़ोगे। ये चौल टूट नहीं सकती इंस्पेक्टर साहब, आज भी ये चौल मिस्टर सिंघानिया की है। जो पेपर्स आपको दिखाए गए वो झूठे हैं और उन पर मिस्टर सिंघानिया के जो सिग्नेचर्स हैं वो भी झूठे हैं। ये रहा उसका सबूत। इस फाइल में मौजूद कागजात ये साबित करती है कि ये चौल मिस्टर कपूर की नहीं है। इंस्पेक्टर चौल तोड़िए आप। देखिए आप कानून के बीच में बताइए प्लीज। कौन है तू और होता कौन है हमें रोकने वाला? तुम हो राघव सिंघानिया? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुम राघव सिंघानिया हो? एक मिनट, हम पहले भी धोखा खा चुके हैं। प्रूफ करो कि तुम राघव सिंघानिया हो। धोखा वो होता है जो तुमने किया था कमलाबाई के साथ, उसे झूठे राघव सिंघानिया के साथ मिलाकर। झूठे कागजात पे साइन करवा कर और कोर्ट से ऑर्डर लाकर इस चौल को तोड़ने के लिए। बकवास मत कर और अपनी बात कर तू, समझा? मोबाइल है, उसमें कैमरा भी होगा, फोटो खींच लो मेरी और बिल्डर्स एसोसिएशन में जाकर मेरे रिकॉर्ड से मैच कर लेना। लोगों के साथ खेलना कपूर की आदत होगी, है ना मिसेस कपूर? मेरी नहीं।
उन्होंने ये चौल इन लोगों के लिए बनाया था और लोगों के सर से छत छीनना उनका काम नहीं था, आप ही की होगी, है ना मिस्टर साहिल कपूर? What crap? क्या बकवास कर रहे हो? हमने किसी को धोखा नहीं दिया, ये जमीन हमारी है। सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती, कभी ना कभी सामने आई जाती है। किस सच्चाई की बात कर रहे हो तुम? मतलब मैं सही था, गरीबों पे, लाचारों पे अत्याचार करो तो राघव सिंघानिया सामने आएगा, कमला बाई को बचाने तो आएगा, लेकिन मैं भी देखता हूं कि तू कमला बाई को और इस चौल को कैसे बचाता है। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जिनके पास पैसे होते हैं और दूसरे वो जिनके पास पैसे होते हैं लेकिन उसके सहारे वो दूसरों को बेइज्जत नहीं करते। सुनो तुम लोगों ने, कमला ताई ने हमको धोखा नहीं दिया, अरे ये सब चलाकी तो कपूर सेठ की थी। देखिए मिस्टर कपूर, हम आगे की कार्रवाई नहीं होने दे सकते क्योंकि ये पेपर कोर्ट पे फाइल हो चुके हैं, कोर्ट की मोहर लगी है उस पर, और जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी अभी ये पता लगेगा कि किसके पेपर झूठे हैं और किसके सही, तब तक ये चौल नहीं टूट सकते। गणपति बप्पा, ये चौल अभी और इसी वक्त टूटेगी, मैं तोड़ूंगा इसे। और तू राघव सिंघानिया ना, तो मुझे रोक के देखा। देखिए अब कानून के बीच में बताइए। रिम साहब रुकिए, रिम स्टॉप, चलो उधर नीचे उधर। तूने अच्छा नहीं किया राघव सिंघानिया, इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी, याद रखना। प्रेम 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 चलो लेट्स गो। गणपति बप्पा, आई मैं तुझे निराश कैसे कर सकती थी? आई सब ठीक हो गया, आई हम जीत गए। कमला मां जीत गए, मैं कोई नहीं कर सकती। बच गए।
जीत गया पाकी। मैं जानती थी मेरा देवा हार नहीं सकता। हमारी चौल बच गई। अब हम यहीं पे रहेंगे, कभी नहीं छोड़ के जाएंगे आप। विचल, हमारी चाल बच गई, हमारा घर, हमारा सपना। हम जीत गए विचल, हम जीत गए। पानी लेके आता हूँ। आई हमारी चौल को बचाने खुद राघव सिंघानिया आया था। राघव बाबा। हाय। यहाँ तू उन्हें ऊपर क्यों नहीं लेके आया? तू बेटा तू भी ना कुछ सही नहीं करते तुम लोग। राघव बाबा चलो चलो बाबा। राघव बाबा कहाँ है? पता नहीं। राघव बाबा। कमला माँ, अभी तो यहीं खड़े थे, यहीं थी उनकी गाड़ी, अचानक पता नहीं कहाँ चले गए। चले गए बिना मुझसे मिले? विठल, मुझे राघव बाबा से मिलना है, तू चल। अरे पर कहाँ ढूंढेंगे उनको, हमें पता थोड़ी है कहाँ रहते हैं, है ना? साग बनकर रह गया हूं मैं मॉम, साग बनकर रह गया प्रेम कपूर। आज के बाद दुनिया हंसेगी मुझ पर। मैं वही खड़ी हूं जहां एक बेटी को होना चाहिए, अपनी माँ के पास। धोखा वो होता है जो तुमने किया था कमला बाई के साथ, उसे झूठे राघव सिंघानिया के साथ मिलाकर, झूठे कागजात पे साइन करवाकर और कोर्ट से ऑर्डर लाकर इस चौल को तोड़ने के लिए। कमला, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। पहले तूने मेरी बेटी मुझसे छीनी, आज तूने मेरे बेटे का सपना तोड़ दिया। अब मैं तुझे ऐसी चोट पहुंचाऊंगी ना, मैं अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तेरा होना ना होना बराबर होगा। तू जिएगी बिना कमला, तेरे अंदर के जीने की चाह खत्म कर दूंगी। अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या लड़ाई लड़ी है कमला तुमने? कमला भाई आगे आगे, लोग पीछे पीछे, शर्मा रही था, कोई साथ नहीं दे रहा था, सब पीछे खड़े थे। लेकिन कमला आगे बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। कमला दाई दादा, सब चौल वाले आपको नीचे बुला रहे हैं। हाँ आ रहे हैं हम, थोड़ी देर कमला को विट्ठल के साथ भी रहने दो। मैं जाती है, तेरा चला लाडू क्यों? चलो चलो। आज प्रेम कपूर को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। प्रेम कपूर कुछ भी कर सकता।
कुछ भी डैड, कुछ भी, है ना? हाँ, कुछ भी, कुछ भी रहा, कुछ भी। प्रेम? No, 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 don't touch me. Don't touch me. Cheers. Enjoy. Celebrate. अरे कमला भाई, बाकी बेटा तिळगुळ घे आणि गोड गोड बोला, आशीर्वाद है बेटा। कांता तू भी ले, तिळगुळ घे गोड गोड बोल। सीमाताई तू पण घे, तिळगुळ घे आणि गोड गोड बोल हा। अरे मी विसरलेच, आज मकर संक्रांत आहे ना, ले सबको बांट दो। हाँ ताई। कमला आज तो तूने माँ भवानी की तरह हम सबकी रक्षा की है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कांता, मैंने तो बस अपनों का साथ दिया है। मेरे को माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। आप जब तक मेरे को माफ नहीं करेंगी ना, मैं इधर नहीं रहेगी, मैं चली जाएगी। तू पागल है क्या? तू क्यों छोड़कर जाएगी? ये तेरा घर है मंदा। सच? इसी बात पे हमें जश्न मनाना चाहिए। क्या बोलते हो सब? और मैं नाचेगी भी ताई। अच्छा? हाँ हाँ, लेकिन एक शर्त पर। उसके बाद हम लोग सब अपने अपने काम पर जाएंगे। मतलब तू फिर से? नहीं कांता, मैं फिर कभी कपूर सेठ के यहाँ वापस काम पे नहीं जाऊंगी। दादा अगर कमला ताई नहीं होती तो हम लोगों का क्या होता दादा? हाँ विठल दादा, इसी बात कर रहा है दाते। अरे क्यों ना आज मकर संक्रांति के अवसर पर हम सब कमला का सत्कार करें? नहीं नहीं, मुझे कोई सत्कार वत्कार नहीं चाहिए, बस कल्पना को आशीर्वाद दो, आज उसकी वजह से ही ये सब मुमकिन हुआ है। अगर कल्पी राघव बाबा को यहाँ लेकर नहीं आती तो हमारी चाल नहीं बचती। आज कल्पी के वजह से हमारे सपने टूटने से बच गए। क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर बार पूकी मेरे और आई के। कल्पी! कल्पी। हाँ बाबा। ये लो, यहाँ बैठी है मेरी राजकुमारी। क्या कर रही है यहाँ बैठ के? कुछ नहीं बाबा, बस यही सोच रही हूँ कि यहाँ कुछ भी नहीं बदला, सब जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। हाँ तो इतना सब कुछ हुआ है सब वैसे ही करने के लिए, और सब किसने किया? मेरी राजकुमारी ने। पता तुझे चौल में सब तेरी बात कर रहे हैं और तेरी आई चाहती है कि तेरा सत्कार हो, और तू है उदास होकर यहाँ बैठी है। चल 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 जल्दी चल। क्या हुआ कल्पी? मैं कैसे विश्वास कर लूँ बाबा, आई ने तो मुझे अपने गले भी नहीं लगाया। तू पागल है मेरी राजकुमारी, आईने नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, बाबा लगा लेंगे। आजा अब चले। चल देखा कमला, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। माँ क्या हुआ?
आप अब बस ऐसी हंसती रहना। हाँ बेटा, वो कल्पी इधर नहीं है ना, बहुत गर्व है मुझे उस पर। आप भूल गई क्या, आपकी एक नहीं दो दो बेटियां हैं। मैं हूं ना यहाँ तो फिर। हाँ हाँ मालूम है, तू भी कमला माँ की प्यारी बेटी है। बस तो फिर जब तक कल्पी नहीं आती आप मुझसे काम चलाना। ठीक है कमला, कल्पी आ गई। चलो भाई फटाफट इसका सत्कार करो। मेरी इस छोटी सी बहन ने बहुत बड़ा काम किया है, हमारे इस चौल को बचाया इसने। दादा ने कहा इसीलिए आई ने मुझे गले लगाया, पहले लगा लेती तो क्या चाहता। अरे कमला आज शाम को रसोई में क्या क्या करना है कुछ तो बता। अरे कमला माँ एक आइडिया आया, क्यों ना हम राघव सिंघानिया को इनवाइट करें जश्न में। अरे वाह बाकी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया बेटा, मैं भी राघव बाबा के बारे में ही सोच रही थी। हाँ पर मिलेंगे कहाँ। अरे अंकल आप उसकी चिंता मत करो, और वैसे भी जश्न तो उन सबको थैंक यू कहने के लिए है ना, जिन्होंने हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दिया है। तो खपकाना तो बनता है, मैं उसको लेकर आऊंगी। बाकी तेरा भी इस लड़ाई में बहुत बड़ा हाथ है बेटा, अपने परिवार के खिलाफ खड़ा होना कोई आसान बात नहीं है। अरे माँ आपके लिए मैं अपनी फैमिली तो क्या किसी के भी खिलाफ खड़ी हो सकती हूँ। वेल वेल वेल, टीवी चैनल पर छाए हुए हो मिस्टर राघव सिंघानिया, कोई चौल वालों की मदद की है तुमने। ये न्यूज आइटम लगातार हर टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है। ओके बस अपनी उम्र कम करने की जरूरत नहीं है। What's wrong with you, राघव? Sammy, can you please just मुझे अकेला छोड़ दे यार। अरे पर हुआ क्या है? बोलना राघव। Just leave me alone, यार। बाकी और कमला माँ इतने क्लोज क्यों है? लालचंद उसको ऊपर ले, थोड़ा ऊपर ले, संभाल के। हाँ हाँ ले ले, और साथ में जोड़, साथ में जोड़। हाँ एक और दे रहा हूँ मैं तेरे को, एक और दे रहा हूँ। सही है कांता, बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे मेरे कल्पी को पसंद है। तूने जैसे बोला था ना बाकी सब पे, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। हाँ हाँ वहां जाके देखते। घर का बेदी पर गुड जॉब, गुड जॉब। ना गुड जॉब, गुड जॉब। प्रेम प्रेम कंट्रोल, डोंट टच मी। क्लैप। Good job. Continue. मजाक उड़ाओ, खुश हो, ताली बजाओ, दबा दो अपने घर को।
और बात कर दो अपने भाई का करियर और बात कर दो अपने परिवार को। बात कर दो। Cheers. दादा पकिया सही बोलता है, अपने को कल्पी को कोई गिफ्ट तो देना चाहिए ना। तात्या भाव, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस आप कल्पी को आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दो कि कल्पी परीक्षा में अव्वल आए और हम लोगों के सपने पूरे हो। बस बस मेरे एग्जाम्स कैसे हुए थे ये मैं ही जानती हूँ। मुझे फर्स्ट आना ही है, मैं हार नहीं मान सकती। पापा मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। रियली? वाओ, तू तो कमला की तरह बात भी करने लग गई। हाँ नीतू, लेकिन वही कमला माँ ने मुझे ये भी कहा कि मुझे इसी घर में रहना है और किसी से गलत बात नहीं कहनी। सो बेसिकली अगर आज आपने भी सच्चाई का साथ दिया होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक काम कर, तू वहीं चली जा, पैक योर बैग्स एंड जस्ट लीव। हमारे ऊपर कोई एहसान करने की जरूरत नहीं। Don't challenge me, Neetu. I hope you realize कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। Neetu, just stop it. ये बड़ी कहीं तुम बड़ी हो? कोई अपने बच्चे से ऐसे बात करता है? Thank you, stars, Neetu. अगर आज राघव सिंघानिया ने आप पे केस कर दिया होता ना झूठे सिग्नेचर्स मारने का, तो आप कहीं की नहीं रहती। हाँ मेहता, राघव सिंघानी का पता चाहिए मुझे। रुस्ता की मैसेज पहुंचाओ कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, जैसे भी। उसके लिए अगर तुम्हें कोई डिटेक्टिव सर्विस हायर करनी है करो, जस्ट डू इट। आई वांट दिस जॉब डन अर्जेंटली। थैंक यू देवा, सच में आप सबकी मदद करते हैं। बस डैड के थ्रू मुझे राघव सिंघानिया का पता मिल जाएगा एंड आई कैन इनवाइट हिम। मेरी वजह से सेलिब्रेशंस और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। अगर हमारा नाम इस लिस्ट में ना हो तो? जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं होता वो फेल होता है। ओह माय गॉड, मैं पूरी कॉलेज में फर्स्ट आई हूं। ये नहीं हो सकता, मैं फेल नहीं हो सकती, भाई के सपने टूट गए। कल्पी फेल हो गई है ना? कल्पी ने तुझे बताया नहीं?